वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त संजू कुमार और मेरे चैनल संजू केपी 750 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मैं आप लोगों को आज के ब्लॉग में दिखाने वाला हूं रणपुरहीन माता का मंदिर। तो चलिए हम वहीं पर जाकर वीडियो को स्टार्ट करेंगे। हम लोग जो है माता तेजस्विनी रणपुरहीन देवी धाम में पहुँच चुके हैं। तो आप लोग देख सकते हैं वीडियो में कि हम लोग जा रहे हैं उस जगह को देखने के लिए। और ये जो धाम है वो माता रणपुरहीन के नाम से प्रसिद्ध है। तो हम चलते हैं आगे की ओर। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मंदिर के बाहर में एक छज्जा भी बनाया गया हुआ है। और हम जो लोग हैं जो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ के जो पहला सीढ़ी के पास। और ऊपर में आने के बाद में कुछ इस टाइप का आप लोगों को यहाँ का जो दृश्य है वो देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ देख सकते हैं कि यहाँ से जो मेन रोड है वो दिखाई देता है। और इधर की बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक तो मंदिर के अंदर में एक तो घर भी बनाया गया है। और यहाँ पे एक तो छज्जा भी है। और साथ ही साथ वहाँ पर एक तो यहाँ के जो टूरिस्ट लोग होते हैं उनके लिए आने जाने के लिए छज्जा भी बनाया गया है जो बारिश के समय में काम आता है। ये जो स्थान है वो टूरिस्ट लोगों के लिए काफ़ी देखने लायक स्थान है। तो आप लोग यहाँ पर ज़रूर आएँ। तो हम लोग जा रहे हैं इस जगह से ऊपर की ओर। और हम लोगों को भी पता नहीं है कि यहाँ से कितनी दूर पर है वो जगह जहाँ को हम लोग जा रहे हैं देखने के लिए। यहाँ का जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है उसी स्थान के पास हम लोग पहुँच चुके हैं। और हम लोग जो है यहाँ का जो बलि स्थान है उसके पास में पहुँच चुके हैं। तो आप लोग शायद वीडियो पे देखे होंगे कि यहीं पर जो है बलि दिया जाता है बकरियों का। यहाँ पर जो है बकरे का बलि नहीं दिया जाता है, खाली बकरियों का ही दिया जाता है जो यहाँ पर को देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर आप लोगों को आने पर पहाड़ पक्षी के अलावा यहाँ पर जो नेचुरली टाइप का व्यू है इस टाइप का आपका व्यू यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो साथ में आप लोग यहाँ पर आएँ और अपने जो फोटोग्राफर दोस्त होते हैं उसके भी ले आएँ। आप लोगों को बहुत ही अच्छे अच्छे पोज में यहाँ पर फोटो खींचने के लिए भी मिलेंगे। और हम लोग जो है यहाँ पर एक तो पूजा स्थान के पास में पहुँच चुके हैं। तो आप लोग इस जगह को भी देख सकते हैं यहाँ पर। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मंदिर के साइड में एक तो त्रिशूल भी लगाया गया है। और साथ ही साथ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक तो गणेश जी का मूर्ति को भी रखा गया है। और हम लोग फिर से जा रहे हैं ऊपर की ओर। तो आप लोग नीचे को भी देख सकते हैं कुछ इस टाइप का आप लोग को नीचे को देखने को मिलेगा। ऊपर साइड में कुछ देख सकते हैं इस टाइप का दृश्य देखने को मिलेगा। क्योंकि तो आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक तो बड़े विशाल साइज के एक तो पत्थर है। तो हम लोगों को इसको देखने के बाद में लग रहा है कि काफ़ी अच्छा यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग जो है फिर से एक नए पूजा स्थान के पास में पहुँच चुके हैं। और उसके बाद में आप लोग इधर को भी देख सकते हैं कितना सुंदर प्रकार का दृश्य है। यहाँ पर का आप लोग फिर से देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक पूजा स्थान बनाया गया है। और लाल चुनरी से जो है
माता को ढका गया है। और फिर से देख सकते हैं यहाँ पर भी एक तो बड़ा विशाल पत्थर है, और ऊपर में भी आप लोग देख सकते हैं कि जो कपड़े के ऊपर में टंगाया गया है वो कितना सुंदर प्रकार का देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो गाइस लोग, यहाँ पर जो चुंदरी को टंगाया हुआ था इसके बारे में मेरे को थोड़ा सा पता है, लेकिन इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है, शायद इसलिए मैं इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा। हम लोग जो है गाइस, बहुत ज़्यादा टाइम से चलने के बाद में हम लोग उस जगह पर पहुँचने ही वाले हैं जिस जगह को हम लोग देखने आए थे। तो साथ ही साथ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े विशाल टाइप का पत्थर को यहाँ पर आप लोगों को देखने को भी मिलेगा। और साथ ही साथ तो यहाँ पर जंगल के साइड है, उसको आप लोगों को देखने में कुछ ज़्यादा ही नेचुरली टाइप में लगेगा। और हम लोग जो है यहाँ पर पहुँच चुके हैं, तो यहीं पर को माता रणपुरहिन के नाम से जाना जाता है। इसी चीज़ को यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसी को बोलते हैं माता रणपुरहिन। तो हम लोग हाथ जोड़ लेंगे यहाँ पर। नहीं 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 गाइस, तो आप लोग इस वीडियो को छोड़ कर ना जाएं। और अभी जो यहाँ का जो बहुत ही ज़्यादा पार्ट बचा हुआ है, तो आप लोग इसको भी देखें, क्योंकि यहाँ पर जो नीचे का कुछ जगह था उसके बारे में हम लोग कुछ नहीं बोले हैं अभी, तो इस जगह के बारे में आप लोगों को दिखाएंगे समझाएंगे। तो आप लोग इधर का भी देख सकते हैं गाइस कि यहाँ पर जो जंगल है हरा भरा होने के कारण कितना सुंदर टाइप का देखने को मिल रहा है। और मैं कैमरे का जो टेस्टिंग कर रहा था कि कितने दूर तक क्लियरिटी यहाँ पर साफ दिखाई देता है, इसलिए मैं इसको चेक कर रहा था। और यहाँ से हम लोग चलते हैं नीचे की ओर। तो गाइस लोग, हम लोग जो यहाँ पर बच्चे घूम रहे हैं उनको बहुत बोला कि भाई हम लोगों को भी इस जगह के बारे में कुछ बताओ और दिखाओ। तो उन लोग भी कैमरा देखकर कुछ हक्का बक्का रह गए और इस जगह के बारे में बताने से कुछ हिचकिचा गए। तो हम लोग भी इस जगह के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जान पाए, फिर भी हम लोग को बहुत ही अच्छी अच्छी जगह देखने को और कुछ नया चीज़ जानने को मिला यहाँ पर। आप लोग वीडियो में जो सामने छज्जा देख रहे हैं, हम लोग वहीं पर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है एक तो यज्ञ कुंड भी बनाया हुआ है। और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक तो यज्ञ कुंड भी बनाया हुआ है, जो यहाँ पर पूजा पाठ करने के टाइम इसमें आग जलाया कर पूजा किया जाता है।
और हम लोग जो है दोस्तों की वहाँ से वापस आ चुके हैं घर पर। तो आप लोग देख सकते हैं कि अभी हम लोग यहाँ पर घूमने के लिए आए हुए हैं, और इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं।